तो जैसे कल हम लोगों ने अपना एक टॉपिक पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था, एनोड रे ट्यूब के बारे में था, किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए हैं और किस तरीके से आप लोगों के प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई है। तो उसके अलावा जो आज एक टॉपिक हम लोग आपके लोअर स्टैंडर्ड्स का पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअल में है आप लोगों का डिस्कवरी, बट किसकी डिस्कवरी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी, राइट। जिसे तुमने इस नाम से भी सुना होगा करके कि आप लोग रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट हम लोग फिर भी एक बार इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। एंड उसके बाद, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे तुम्हें एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट बताना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करके, बराबर। तो वो जो आपका मैथमेटिकल पार्ट रहेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उस मैथमेटिकल पार्ट के लिए, उसके में हम लोग अभी ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं करके। क्योंकि जैसा आपसे पहले जो जे जे थॉम्सन का वो पुडिंग मॉडल था एटम्स को लेकर, वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। फेलियर इन द सेंस ये, उनके अकॉर्डिंग एटम एक कंप्लीट सॉलिड चीज़ है, जस्ट लाइक अ केक, राइट। बट आगे जब आप बोहर थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आप लोगों का एटम है, वो एटम आप लोगों का एक केक नहीं है, राइट। एटम आप लोगों का एक सॉलिड केक के जैसा नहीं है। तो अभी हम लोगों को वो जे जे थॉम्सन मॉडल में तो डेफिनेटली जाना ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट मॉडल आया है वो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड और उनके जो बाकी, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स थे, राइट, उनके द्वारा परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट है। तो लेट्स डिस्कस कि एक्सपेरिमेंट में ये वाली चीज करके आप लोगों की क्या नहीं करते। तो देखो जरा यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सी आप लोगों को चीज़ पता होनी चाहिए, दैट कंसेप्ट इज़ रेडियो एक्टिविटी, राइट। दैट कंसेप्ट वॉज रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे तुम लोगों ने, हो सकता है ये नाम इससे पहले भी सुना हो, कि कुछ सब्सटेंसेस आप लोगों के रेडियो एक्टिव होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब आप लोगों के ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से सर्टेन हाई एनर्जी की रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि तुम लोगों के पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कॉपर सल्फेट, मैं किसी की भी एक रैंडम की बात कर रही हूँ करके। तो लेट से अगर तुम लोगों के पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक टुकड़ा है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका टुकड़ा रहता है करके, राइट, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े को कभी भी आप टच करने से पहले डरते वगैरह नहीं हो, क्योंकि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े के अंदर में से हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई रेडिएशन वगैरह नहीं निकल रहा है। तो वैसे रेडिएशन देखो हर चीज़ के अंदर से थोड़ा थोड़ा निकलता है, बट किसी के अंदर ये क्वांटिटी बहुत कम होती है और किसी के अंदर ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज जिनके अंदर से ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं, लाइक लेड हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेज लाइक दिस। सो अभी आप लोगों के पास ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनकी जो डिस्कवरी हुई है, जो फेनोमेना है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, कि कैसे पता चला कि इन लोगों के अंदर से आप लोगों का क्या निकलता है करके, पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को पता चली कि एक एक्सीडेंटल आप लोगों के काम से। एक्चुअल में आपके जो हैं मतलब बैक्टीरियल थे, जो आप लोगों के साइंटिस्ट थे, कि साइंटिस्ट आप लोगों का फ्लोरोसेंस और जो आप लोगों की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है फॉस्फोरोसेंस, ठीक है, फेनोमेनॉन है फ्लोरोसेंस और ये एक और प्रॉपर्टी है फॉस्फोसेंस। इस प्रॉपर्टी के साथ वो क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, राइट, क्योंकि जस्ट इसी दौरान एक्सरे डिस्कवर हुई थी और उन्होंने सोचा कि अच्छा, एक्सरे जो होती है वो आप लोगों की फोटोग्राफिक फिल्म को डैमेज पहुँचा देती हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ करके कि जो ये फॉस्फोरेंस और जो ये फ्लोरोसेंस नामक फेनोमेनॉन होता है, इस फेनोमेनॉन में जो रेडिएशंस बाहर एमिट आउट होती हैं, क्या ये रेडिएशंस आप लोगों की किसी तरीके से उस फोटोग्राफिक फिल्म को क्या कोई डैमेज पहुंचाती है क्या।
तो उन्होंने करना शुरू किया करके कि चलो लेट चेक करके कि इसमें कुछ होता है। उन्होंने क्या किया कि जो भी आपके फॉस्फोरोसेंट या फ्लोरोसेंट को शो करने वाले मटेरियल वगैरह थे, जो सॉल्ट वगैरह थे, उनके साथ वो काम कर रहे थे। तो ही ऑब्जर्व किया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो उन्होंने क्या किया कि एक यूरेनियम का सॉल्ट आपकी फोटोग्राफिक फिल्म और एक आपका ब्लैक कलर का जो पेपर है इसको उठाकर एक ड्रॉर में रख दिया करके। सो व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए तो वो ये देखते हैं करके कि उस ड्रॉर के पास कोई भी लाइट का सोर्स नहीं था, राइट। उस जो ड्रॉर था जिसमें उन्होंने उसका यूरेनियम के सॉल्ट को, फोटोग्राफिक का फिल्म को और आप लोगों का जो ब्लैक कलर का पेपर है जिससे उन्होंने उसको सराउंड करके रखा है, उसको उन्होंने जो रखा था ये वाली चीज़ का, उस ड्रॉर में कोई भी आप लोगों की लाइट के आने का सोर्स नहीं था करके, राइट। लाइट नहीं आ सकती थी उस ड्रॉर के अंदर, सनलाइट। बट वो देखते हैं करके कि जिस ब्लैक कलर के पेपर में उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म को और यूरेनियम के सॉल्ट को रैप करके रखा था, वो ये पाते हैं करके कि आप लोगों के जो मतलब कोई सनलाइट नहीं आने के बावजूद भी, ठीक है, आपके सनलाइट मतलब किसी भी प्रकार की कोई सनलाइट नहीं आने के बावजूद भी जो आप लोगों की करके फोटोग्राफी प्लेट थी करके, वो फोटोग्राफी प्लेट में उन्हें उस सॉल्ट की क्लियर इमेज दी थी। हम लोगों को भी तो देखो यही होता है ना, हम लोग जैसे कैमरे से फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म होती है उस पर देखना हम लोगों की एक इमेज तैयार हो जाती है करके, राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास जो फोटोग्राफी का प्लेट थी उस फोटोग्राफी प्लेट के अंदर क्या हो गई, आप लोगों की सॉल्ट की एक फ़ोटो तैयार हो गई, इमेज तैयार हो गई। तो उन्होंने उस इमेज को देखा और उनको ये सरप्राइज़ हुआ करके कि आखिर ये फोटोग्राफिक प्लेट को ये डैमेज हुआ कैसे, फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर ये डैमेज आपका आया कहाँ से। तो बाद में उनको ये समझ में आया कि अच्छा, जो इसमें मैंने सॉल्ट रखा था करके आप लोगों का यूरेनियम, ये आप लोगों की ऐसी कोई सर्टेन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है जिस प्रॉपर्टी के वाया, ठीक है, आप लोगों के मटेरियल अपने अंदर से क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं अपने आप। तो इस फेनोमेनॉन से बैक्टीरियल ने क्या कर लिया, आप लोगों की रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया करके, ठीक है। और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर और भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई आप लोगों का, मैडम क्यूरी और जो आप लोगों के सर क्यूरी के हस्बैंड वाइफ, इन लोगों ने भी काफ़ी काम किया आपकी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। अलग अलग हम लोगों ने नेचुरल एंड आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को डिस्कवर किए। तो वो तो काफ़ी डिटेल हो गया, पर बताने का मकसद ये है कि केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग डिस्कवर करना उनका कभी इंटेंशन नहीं रहता है, बट कर कुछ और रहे होते हैं और कुछ और रिजल्ट्स आते हैं, फिर उस रिजल्ट से वो लोग कंक्लूजन निकालते हैं एंड एक न्यू थ्योरी आप लोगों के सामने कैसे आती है करके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो एक का फिनोमिनॉन समझ में आया, दैट फिनोमिनॉन बहुत आप लोगों का रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, कुछ एलिमेंट्स इसे शो करते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स, सारे के सारे आप लोगों के एलिमेंट्स इस रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं करके। तो कुछ आपके पास ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलता है, ठीक है, रेडिएशंस का। तो उस फिनोमेनॉन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वैसे तो ये हाईली डेंजरस होते हैं क्योंकि इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बहुत ही इनकी ज़्यादा होती है करके। तो उन्होंने क्या किया, अभी इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, इस रेडिएशन के बारे में चीज़ें पता करने की कोशिश की, ये रेडिएशन का नेचर कैसा है, ये रेडिएशन कौन है करके वगैरह वगैरह। सो अभी उस पर तो मैं नहीं जा रही हूँ, तो डायरेक्टली मैं वाला पॉइंट बताती हूँ करके कि आपके पास तीन टाइप के उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन के, मतलब उनके अंदर से तीन टाइप के उन्होंने रेज को डिटेक्ट किया, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है। वैसे उस ज़माने में एक्सरेज भी डिस्कवर हो चुकी थी, बट एक्सरेज आप लोगों की किसी भी सब्सटेंस के अंदर से अपने आप एमिट आउट नहीं होती है, ठीक है, वो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक्सरेज कैसे एमिट आउट होती है करके, ठीक है, लेकिन कभी भी एक्सरे आप लोगों की अपने आप एमिट आउट नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही ये जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था इनके अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकल रही। तो अभी जैसे ये छोटा सा पार्ट देखो, ये वाले डायग्राम से तुम ध्यान दो, क्या ये पेनिट्रेशन डायग्राम, यानी कि आपके पास जो तीन प्रकार की रेज है, इन तीनों प्रकार की रेज की
मटेरियल को क्रॉस कर जाने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, जो इनकी पावर है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। जैसे साफ साफ डायग्राम से दिख रहा है करके कि आपके पास जो अल्फा रे है वो मुश्किल से आपके पेपर को क्रॉस कर पा रही है, जो आपके पास बीटा रेज है वो पेपर को क्रॉस कर पा रही है, इसके अलावा आपने एक कॉपर का ब्लॉक रखा है उस कॉपर के ब्लॉक को भी क्रॉस कर गई, फिर आपने एक लेड का बॉक्स रखा है और उस लेड के ब्लॉक के पास सिर्फ और सिर्फ गामा रेज पहुँच पाई है और बाकी आप लोगों का कुछ भी नहीं पहुँचा, ठीक है, गामा रेज के अलावा और कुछ भी नहीं पहुँच पाया वहाँ तक। तो ये लेड, इससे ये समझ में आता है कि लेड अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास एक लेड है तो लेड को सिर्फ और सिर्फ कौन पेनिट्रेट कर पाती है, मतलब लेड के अंदर कौन आप लोगों का रह जाता है करके, गामा रेज उसके तक पहुंच जाती है, लेकिन बीटा आप लोगों के सिर्फ ढेर सारा मेटल्स तक पहुंचती है, और उसके बाद जो अल्फा है वो बेचारी का सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर, मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत 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 कम है। तो अब जो तुम्हारे पास रदरफोर्ड है, ठीक है, जिन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया, जिसको तुम बचपन में भी पढ़ते आ रहे हो करके, तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, आप लोगों का अल्फा रेज का प्रयोग किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है करके, आप लोगों का अल्फा रेज का प्रयोग किया है। तो ये जो अल्फा रेज है उनको क्योंकि सिर्फ पता है करके कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, ये पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है, तो उस एक्सपेरिमेंट में देखो आप लोगों की एक गोल्ड की हम लोग फॉइल यूज़ करते हैं, तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ही क्यों चूज़ की, गोल्ड की जगह वैसे आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते थे, बट स्पेसिफिकली गोल्ड ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमको ये पता है कि गोल्ड आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा हाईली मेलिएबल सब्सटेंस है करके, बराबर इसकी जो मेलिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है करके, यानी कि आप लोगों के गोल्ड क्या कर सकता, गोल्ड को पीट पीट कर बहुत थिन शीट में क्या कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो करके, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों के हाईली मेलिएबल सब्सटेंस होते हैं लाइक गोल्ड सिल्वर, इनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इसका एक और एडवांटेज है कि क्योंकि ऐसे कोई ये भी कह सकता है कि अरे यार एल्यूमिनियम की जो फॉइल है करके वो भी तो अच्छी खासी, मतलब आप उसको भी थिन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो एल्यूमिनियम जो है आपका रिएक्टिव एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर आप एटमॉस्फेयर में रखे हो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर आप किसी और चीज़ में उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो किसी और से रिएक्ट कर जाएगा, तो लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड के बारे में हम लोग इतनी जानकारी तो जानते हैं करके, वो ये कि आप लोगों का जो गोल्ड होता है वो गोल्ड एक नोबल एलिमेंट है, राइट, वो आप लोगों का कैसा एलिमेंट है, एक नोबल एलिमेंट है। अब क्योंकि वो आप लोगों का एक नोबल एलिमेंट है, इसका मतलब अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार की गैसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो बेस्ट है हम लोगों को जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में करके हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी करके, बराबर। अब ये तो पता चले कि वो किसी से रिएक्ट करके कुछ और हो गया करके, अच्छा। तो उसके अलावा तीसरा रीज़न हम लोगों के पास क्या कोई और है गोल्ड को यूज़ करने का, तो देखो गोल्ड को यूज़ करने का एक रीज़न और है कि यहाँ पे गोल्ड, वैसे गोल्ड की जगह तुम बोलोगे कि फिर कोई दूसरा हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यूज़ कर लेते हो, बट सबके अंदर नोबल वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबके अंदर मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो एक ऐसा एलिमेंट जो हाईली मेलिएबल भी है, नोबल भी है, और साथ ही साथ में जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए, आपका ठीक ठीक हाई होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ठीक ठीक हाई होने का मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है, वो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों ज़्यादा होनी चाहिए करके, ये अभी आपको एक्सपेरिमेंट में समझेगा करके। तो इन सारी रीजंस की वजह से हम लोग कैसा इस एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अब जो एक्सपेरिमेंट है ये भी आप लोगों का एक क्या कहते हैं इंसिडेंस ही है करके, राइट, कभी भी उन लोगों का ये सोचना नहीं था करके कि हम लोग करके न्यूक्लियस डिस्कवर करेंगे, ठीक है, आपका जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि नेवर टॉट कि उनको आज चलो न्यूक्लियस डिस्कवर करना, कुछ और कर रहे थे उस कुछ और काम से अगेन उन लोगों के पास कोई ऑब्जर्वेशंस आई, और उन ऑब्जर्वेशंस को मिल जाने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ये चीज़ ऐसी ऐसी, मतलब उसे कंक्लूजन्स ड्राइव किए, एंड दे फाइनली नेम दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ न्यूक्लियस करके, राइट। तो पहले उनकी कोई इच्छा नहीं थी न्यूक्लियस ऐसी चीज़ को ढूंढने की, तो उनका जो काम है वो न्यूक्लियस के ढूंढने के डायरेक्शन में था ही नहीं। अच्छा, अब उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल तो यूज़ की
ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आप लोगों का रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स यूज़ किया, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस उन्होंने चूज़ किया जिस सब्सटेंस के अंदर से आप लोगों का क्या होता है करके एक अल्फा पार्टिकल क्या होती है एमिट आउट होते हैं करके, राइट। अच्छा, अब अल्फा ही क्यों यूज़ किए, मैंने कैसा कहा, उनका कोई मोटिव नहीं था न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का, वो अपना कुछ और काम कर रहे थे और उस कुछ और काम में वो अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को वो क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे करके, ठीक है। तो ऐसे केस में अल्फा ही क्यों यूज़ किया, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है करके, वो बस यूज़ कर रहे थे। अब जैसे आपका जो बैक्टीरियल थे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए यूरेनियम सॉल्ट ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को अभी रेडियो एक्टिविटी खोजनी है, वो तो एक यूरेनियम सॉल्ट उनके पास था करके, तो उससे वो काम कर रहे थे। हो सकता है उस वक्त उनके पास यूरेनियम की जगह कोई दूसरा रेडियो एक्टिव सॉल्ट होता करके, राइट। तो इसका कोई रीज़न नहीं है। तो अब जो इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया, अच्छा ठीक है करके, तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपन थोड़ा सा अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जानकारी ये है कि जो आप लोगों के अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मैंने कल ही बताया एक्चुअल में होते क्या है, हीलियम 2+ आयंस की बीम। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे हीलियम 2+ आयंस का एक कलेक्शन है, तो उस हीलियम 2+ आयन के कलेक्शन को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं करके, राइट। या फिर अल्फ़ा पार्टिकल का एक दूसरा नाम भी होता है आप लोगों का डबली आयनाइज्ड, ठीक है। बी यहाँ पे गायब है, ये बी और ये एल, स्पेलिंग कर लेना तुम लोग ठीक, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, ये वाला भी उसका नाम होता है। तो जो भी हो, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल किया, और जैसे कि हमको पता है कि आपका जो एक हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से आपके लेग से दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर तुम इसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, +2 का चार्ज रहेगा। यानी कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स अब लोगों के आपके कैसे चार्ज के होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट। अगर इनके नेचर पे अपन बात करें करके, तो ये कैसे हैं आप लोगों के, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को ये पता चल गया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हम लोगों के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो भी उन्होंने सोर्स यूज़ किया, जैसे बोला जाता है कि ज़्यादातर हम लोग उसके अंदर रेडियम यूज़ करते हैं करके, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने जो सोर्स यूज़ किया, मतलब ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं आता है करके कि अरे देखो इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे करके इस सामान को अपन खरीद लेते हैं करके, ठीक है। तो उन्होंने एक रेडियम का सोर्स यूज़ किया, वो रेडियम के सोर्स के अंदर से, उस रेडियम के हुए सब्सटेंस के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे आप लोगों के, एमिट आउट हो रहे थे। अब दिक्कत ये है कि आपका जो रेडियम का सोर्स है, अब वो ऑब्वियस है कि वो रेडियम का सोर्स आप लोगों का हमेशा अल्फ़ा पार्टिकल या फिर सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल तो एमिट आउट करता नहीं है, है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो तो बहुत सारे पार्टिकल्स, मतलब उसके अंदर बीटा भी है, उसके अंदर गामा भी है, या और भी मे भी कुछ होंगे, तो ये भी एमिट करता है। तो ऐसे केस में हम लोग फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम लोग कैसे करेंगे करके, राइट। अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स हम लोगों के पास कहाँ से आएगा, कैसे उसका काम होगा, तो अभी देखो यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, आप लोगों का एक बड़ा सा लेड का एक बॉक्स लिया, राइट। उन्होंने क्या कर लिया, एक बड़ा सा लेड का बॉक्स लिया। अब लेड के बॉक्स में जो क्या करते हैं आप लोगों का, इस तरीके का एक लेड का बॉक्स लेते हैं, उस लेड के बॉक्स में एक बहुत ही छोटा सा होल रखते हैं, बहुत ही छोटा सा होल, ज़्यादा बड़ा होल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पतला सा उन्होंने क्या रखा है वहाँ पे, होल रखा है करके, ठीक है सॉरी। और इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव का आप लोगों का जो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, ये उसका क्या है, सोर्स रखा हुआ है करके, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही है, जो वहाँ पे सोर्स रखा गया है करके, ठीक है, ये जो आप लोगों का रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस आप लोगों की क्या करती है करके, ठीक है, यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है। अब ये जो रेडिएशंस हैं, ये आप लोगों के अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आपके गामा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट हम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों के अल्फ़ा पार्टिकल्स, हमें तो सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स चाहिए काम के लिए। तो ऐसे ही केस में हमने क्या किया, इसको क्योंकि लेड के बॉक्स में रखा है, एंड जैसा हमने ये नीचे डिस्कस किया था पहले कि आपके जो बाकी के रेडिएशंस हैं, लाइक गामा रेडिएशंस है आपके पास, या फिर लेड से आपके पास बीटा रेडिएशंस हैं, तो देखो बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो सारे के सारे
वहाँ पे अगर जो आपके गामा रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो गामा रेडिएशंस क्या होते हैं आप लोगों के उसके अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे के सारे, मतलब बाहर की तरफ उन लोगों को गामा रेडिएशंस नहीं मिल रहे। और बॉक्स को इस तरीके से डिज़ाइन या फिर कंस्ट्रक्ट किया गया था करके कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या होता है, एक अल्फ़ा पार्टिकल की बीम निकल के आती है बाहर, यानी कि जो छोटा सा करके हम लोगों ने ये होल दिया है करके स्लिट दिया, इस स्लिट से आप लोगों की क्या आती है, पतली सी इस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स की ये बीम निकल के आती है बाहर, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम ये आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है करके, मतलब वो आपकी ट्रैवल कर रही है करके, राइट। तो ये हम लोगों ने जान लिया आप लोगों के अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रिएट किया है। अगर आपको कोई भी प्रकार के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं ना तो उसे क्रिएट करना पड़ता है आपके किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से। आपको जैसे अगर बीटा की नीड है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अल्फ़ा और गामा को हम लोग ब्लॉक कर सकें या फिर उसको बाहर आने से रोक सकें, तो आप लोगों को बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट। तो फिलहाल हमें अल्फ़ा की नीड है, या उस एक्सपेरिमेंट में उनको अल्फ़ा की नीड थी तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बाहर वो एस्केप करवा रहे थे। तो अभी जैसे इमेजिन करो, अगर मान लेते हैं आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में, इमेजिन करते हैं कि इस तरफ से राइट हैंड साइड से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके निकल के आ रहे हैं, और उन्होंने पीछे क्या किया है, एक ऐसी लेट से बहुत बड़ी ऐसी एक स्क्रीन रखी, तो वो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आपकी जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर, अच्छा स्क्रीन तो कोई भी हो सकती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस स्क्रीन के ऊपर में जिंक सल्फाइड की क्या की गई है करके कोटिंग की गई है, ठीक है, इसमें जिंक सल्फाइड चिपका दिया गया, इस पर जिंक सल्फाइड लगा दिया है करके, ठीक है, पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड लगा हुआ है यहाँ पे, ZNS आपका लगा हुआ है। तो जैसे ZNS के बारे में तुम्हें पता है कि ZNS आप लोगों का एक क्या कहते हैं, ऐसा मटेरियल है कि जब उस पर कोई आप लोगों के पार्टिकल्स अगर इंसिडेंट होते हैं तो वो उन पार्टिकल्स के इंसिडेंट होने की वजह से वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करता है, स्किंटिलेशन वो वहाँ पे कहते हैं फिनोमेना उनको, वो आपका प्रोड्यूस करता है। तो वो ये देख रहे थे कि कंटिन्यूसली ये जो पॉइंट है, जी ये इस रे से जो एकदम ये पॉइंट सीधा जा रहा है, ये जो पॉइंट एकदम सीधा जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यूस क्या हो रहा था, एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एकदम इस मतलब इस लाइन की एकदम सीधी में, एकदम सीधी में, ठीक है, एकदम सीधाई में जब वो देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आप लोगों का इस तरीके से ग्लो दिखते जा रहा है। सो ही थॉट करके कि ज़रूर करके वहाँ पे आप लोगों का जो अल्फ़ा रेज के पार्टिकल्स हैं, उन अल्फ़ा रेज के पार्टिकल्स के बीच और आपके स्क्रीन के बीच में जो एक काम करते हैं, एक बहुत 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 पतली सी, ठीक है, आप लोगों की एक हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल रख लेते हैं करके, ठीक है, जिसकी थिकनेस उन्होंने बहुत 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 कम रखी, या फिर आप कह सकते 100 नैनोमीटर के अप्रॉक्स उन्होंने गोल्ड फॉइल एक कंस्ट्रक्ट की उसको, बहुत क्योंकि गोल्ड फॉइल मैलिएबल होती है, तो एक गोल्ड फॉइल को लाया गया और गोल्ड फॉइल को इस तरीके से स्क्रीन और आप लोगों के उस अल्फ़ा पार्टिकल्स के बीच में ये इस तरीके से रख दिया गया करके, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के अंदाजन के करीब कुछ है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा, तो अब वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब गोल्ड फॉइल नहीं रखा था तब आप लोगों का जो स्किंटिलेशन वाला फिनोमेना है, यानी कि जो स्पॉट्स आपके क्रिएट हो रहे थे, वो वाले स्पॉट्स आपके कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे क्रिएट हो रहे थे, ये यहाँ पर है ना। लेकिन अब क्योंकि जब उन्होंने बीच में गोल्ड फॉइल रखी तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ स्पॉट्स आप लोगों के इधर जा रहे हैं, कुछ स्पॉट्स यहाँ दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स यहाँ दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स यहाँ दिख रहे हैं, कुछ यहाँ दिख रहे हैं, बट वहाँ नहीं दिख रहे, मतलब जो रे की सीधाई है, ठीक है, रे का जो सीधा है उस डायरेक्शन में आप लोगों को ये स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं करके, राइट, उस जगह पे आपको ये स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेट अस स्टडी कि आखिर ये चीज़ क्या होती है करके। तो देखो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लाइट बॉक्स के अंदर में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है सच दैट उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है वो आप लोगों का एक अल्फ़ा रेडिएशन निकल रहा है। पीछे में आपकी एक स्क्रीन रखी गई और उस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने जिंक सल्फाइड की क्या करके रखी है, कोटिंग करके रखी है ताकि तुम्हें वो डार्क स्पॉट्स ऑब्जर्व हो सकें। अच्छा, तो तुम ये देखते हो करके कि आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कुछ आप लोगों के इस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे आप लोगों के इधर आ गए, ये इधर आ रहे हैं करके आप लोगों के कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये इधर आ गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इधर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स उधर डिफ्लेक्ट हुए। मतलब पहले जब कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब जब गोल्ड फॉइल नहीं थी तब कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं था, एकदम स्ट्रेट लाइन का वो पाथ फॉलो कर रहे थे, बट गोल्ड फॉइल के लगा देने की वजह से उसके इसमें स्कैटरिंग होने लगी, मतलब तुम ये कह सकते हो कि आपकी अल्फ़ा रेज स्कैटर होने लगी करके,
पहले वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर नहीं हो रही थी पहले, अब वो लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग होने लगी। और तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये स्कैटरिंग क्यों हो रही है, ठीक है, ये उनके दिमाग का पहला क्वेश्चन कि आखिर स्कैटरिंग क्यों हो रही है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ स्कैटर तभी होती है जब उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। जैसे अगर तुम एक बॉल को फेंकते हो खुले मैदान में, तो जिस डायरेक्शन में आप उसको थ्रो कर रहे हो वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती जाएगी जब तक उसके पास एनर्जी होगी। बट मान लेते हैं कि वो अपने उस सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट अचानक से क्या हो जाएगा, बीच में एक दीवार आ गई है। अब उस दीवार से जब वो बॉल टकराएगी, तो टकराने के बाद वो सीधा तो नहीं गई ना, वो हो सकता है आपका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके कहीं और ट्रैवल करने लगे, हो सकता है नीचे ज़मीन की तरफ गिरने लगे, यानी कि कुछ भी होगा, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन आएगा। बट वो डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, जब कोई ऑब्स्टेकल होगा। तो उनको इतना कॉमन सेंस तो था कि अच्छा, यानी कि डिफ्लेक्शन किसकी वजह से, गोल्ड फॉइल की वजह से, इतना तो उनको पता था। बट उन्होंने इस डिफ्लेक्शन की काउंटिंग करना शुरू किया। काउंटिंग करने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास, मैं जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज भेज रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने कितनी रेज भेजी, बट जितनी भी उन्होंने रेज भेजी थी उसमें से 99% अप्रॉक्सीमेटली 99%, हो सकता है 99.2 भी हो, बट 99% की जो आपकी रेज है वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड सीधी निकल गई, ठीक है। अनडिफ्लेक्टेड सीधी निकल गई का मतलब क्या कि लेट्स से अगर आप लोगों के पास ये एक एटम है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये आप लोगों का एक एटम है, और ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल के अंदर में गोल्ड एटम्स होंगे, तो अगर आप लोगों का ये गोल्ड का एक क्या कहते हैं एटम है, सच दैट इसके सेंटर में आप लोगों के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। तो अगर यहाँ से आप लोगों के अल्फ़ा के रेज आ रही है, तो ये वो देखते हैं कि अल्फ़ा की रेज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसी होती हैं आप लोगों की, इस तरीके से सीधी चली जा रही है, ये ऐसी सीधी चली जा रही है, ये वाला उनको पाथ देखने को मिल रहा है कि अल्फ़ा की जो रेज है वो स्कैटर नहीं हो रही, उनका एकदम कैसा है, उन लोगों का पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ है, करके जिस डायरेक्शन जैसे आ रहे हैं हम लोग वैसे ही करके जाएंगे करके, ठीक है, ये उनका डायरेक्शन था, उनका मूविंग डायरेक्शन ऐसा था करके कि हम इस तरीके से फ्लो होंगे या फिर इस तरीके से हम ट्रैवल करेंगे। तो ये जो अनडिफ्लेक्टेड नेचर था, ये 99% ऑफ अल्फ़ा रेज आप लोगों का क्या कर रही थी, इस प्रकार का अनडिफ्लेक्टेड नेचर शो कर रही थी। तो ये हो गई उन लोगों की ऑब्जर्वेशन नंबर वन। चलो ठीक है, 99% मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई। अच्छा, पॉइंट नंबर टू जो उन्होंने नोट डाउन किया कि अगर आपके पास जो बचा हुआ 1% है, 99% जो कि अनडिफ्लेक्टेड जानी है, तो बचा हुआ जो आप लोगों का 1% है, उस 1% में जो आप लोगों की अल्फ़ा रेज है, अगर वो मान लेते हैं आप लोगों के इस तरीके से अंदर अगर जा भी रही हैं, मतलब उस आपके गोल्ड आइटम के पास अगर वो जा भी रही हैं, तो जाने के बाद उन लोगों का देखो कुछ इस तरीके का पाथ होता है। लेट्स से वो आप लोगों का ऐसा सीधा सीधा जा रही थी, और उसके बाद ये आप लोगों का सीधा सीधा जाते जाते, एक मिनट हाँ, इसको थोड़ा सा मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा, ये आप लोगों का ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है। अच्छा, जाने के बाद फिर उन लोगों का डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, मतलब कुछ एंगल से वो डेविएट हो गई, ठीक है, मतलब उनके डेविएशन में एक एंगल दिया आपको, एक थीटा एंगल से वो डेविएट हो गई करके, ठीक है। तो ये वाली जो रेस थी ये आप लोगों के पास बहुत कम थी करके, ठीक है, बहुत ही कम। तो अभी एक ऑब्जर्वेशन उनकी ये भी थी कि अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास, ये दो टाइप के ऑब्जर्वेशन थे कि पहला जिनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा ये होता है कि आप लोगों के इसमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, आपने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया है उस अल्फ़ा पार्टिकल्स का उस 1% में से जो आपका एक आधी स्मॉल फ्रैक्शन का, आपका एक स्मॉल फ्रैक्शन का आपको डेविएशन दिख रहा है, आप लोगों को एक स्मॉल डेविएशन दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट तो नहीं जानी है बट आप लोगों को वहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्मॉल डेविएशन दिख रहा है। तो ये हो गई उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर टू। अब ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री ही आपकी सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, और इसी ऑब्जर्वेशन से न्यूक्लियस की क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है। तो वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि अभी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब उनको अगर लेट्स से या पीछे उन्होंने यहाँ पे लेट्स से मान लेते हैं जिंक सल्फाइड की एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है, अगर उन्होंने ये जिंक सल्फाइड की एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है, तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में उन्हें यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे, देखो सबसे ज़्यादा स्पॉट्स उनको यहाँ दिख रहे हैं, इस जगह पे दिख रहे हैं, एकदम कंटिन्यूस 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 करके ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स उनको इस जगह पे दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स उनको यहाँ दिख रहे हैं, कुछ इनको यहाँ दिख रहे हैं, मतलब पता चल रहा है करके कि टर्न हो गया है, ठीक है, स्ट्रेट जाने के बजाय आपकी रेस क्या हो गई, टर्न हो गई है करके ये चीज़ उनको पता चल रही थी करके। लेकिन लेकिन
उनके इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो पीछे वाली जगह है, पीछे वाली जगह का मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जस्ट न्यूक्लियस के पीछे, उस ज़माने में न्यूक्लियर डिस्कवर नहीं हुआ था, बट अभी क्योंकि मुझे तो न्यूक्लियस के बारे में पता है ना, तो मैं तो उसको न्यूक्लियस बोल सकती हूँ। तो ये जो जस्ट पीछे की जो जगह है, न्यूक्लियस के पीछे वाली जगह, इस जगह पे आप लोगों को वो स्पॉट्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, या फिर अगर ऑब्जर्व हो भी रहा है तो पहले एक स्पॉट, फिर हो सकता है बहुत देर बाद दूसरा स्पॉट देखने को मिल रहा है, या हो सकता है देखने को नहीं भी मिल रहा है। तो ऐसा क्यों वो न्यूक्लियस के जस्ट पीछे वाली जगह पे आपको स्पॉट देखने को क्यों नहीं मिल रहा? उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो न्यूक्लियस के पीछे वाली जगह है, उनके लिए वो एक सिर्फ एक स्पेस थी कि उस पर्टिकुलर स्पेस में स्पॉट क्यों नहीं देखने को मिल रहा। तो ही थॉट कि वहाँ तक स्पॉट अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ज़रूर करके वहाँ पे अल्फ़ा रेज आप लोगों की अच्छे तरीके से या फिर प्रॉपरली वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही होंगी करके, राइट? आपको स्पॉट देखने को मिलता अगर वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल पहुँचती, अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स और जिंक सल्फाइड की स्किन को हिट करती तो क्यों स्पॉट नहीं देखने को मिलता? अगर स्पॉट बहुत देर बाद दिखने को मिल रहा है या फिर देखने को ही नहीं मिल रहा है तो ये इम्प्लाइज करता है करके कि वहाँ पे आप लोगों का क्या कहते हैं करके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सो ही फाउंड दैट कि आप लोग जो कुछ रेज को भेज रहे हो, ठीक है, आप लोग जो कुछ रेज भेज रहे हो वो रेज आप लोगों की इस तरीके से सीधी जाने के बजाय वो जाती हैं और उसके बाद वो इस तरीके से आप लोगों की रिकॉइल हो जाती है, मतलब बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आप लोगों की वेरी फ्यू, यानी कि अगर तुम लोगों ने 1/20,000 ऐसा मानकर चलो कि अगर आपने 20,000 अल्फ़ा रेज के पार्टिकल्स को भेजा है तो उसमें से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रे ही न्यूक्लियस को क्या करेगी, हिट करेगी, मतलब आपके क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। न्यूक्लियस तो नहीं बोलना चाहिए, आपकी क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। सिर्फ इतनी कम रेज क्यों बाउंस बैक हो रही है, ठीक है, वेरी फ्यू, मतलब 1/20,000 में से सिर्फ आपकी एक रे 180 डिग्री का वहाँ पे क्या दे रही है, डिफ्लेक्शन दे रही है करके, ठीक है, यानी कि पहले आगे गई और उसके बाद उसी पास से वो क्या आ गई, रिटर्न आ गई करके। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों के पास रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 3 ऑब्जर्वेशन से, पहला ऑब्जर्वेशन ये कि आपके पास 99% आप लोगों के पास ऐसी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो आप लोगों के अनडिफ्लेक्टेड थे, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था कि आप लोगों के पास बहुत ही कम फ्रैक्शन में कुछ ऐसे भी आप लोगों के पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो आप लोगों के स्मॉल एंगल के साथ क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, अच्छा। और उसके बाद ये 1 में से, मतलब 20,000 अगर आप रेज लोगे तो उसमें से एक रेज का ऐसा केस बनेगा कि वो 180 डिग्री से क्या होती है, आप लोगों की बाउंस बैक होती है। तो ये टोटल उनके पास 3 टाइप के क्या हुए, ऑब्जर्वेशन आए। अभी जो 3 टाइप्स के ऑब्जर्वेशन उनके पास आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो इस ऑब्जर्वेशन को देखकर इससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि आखिर 99% अगर आपकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर गई हैं तो आखिर वो 99% अगर वो क्रॉस कर रही हैं तो आखिर ऐसा क्यों, और सिर्फ एक ही रे 20,000 में से काई को 180 डिग्री को बाउंस कर रही है, ठीक है, ऐसा क्यों? तो तुम ये देखो कि मान लेते हैं अब उनको इससे कंक्लूजन निकालना है कि उन्होंने इससे क्या सीखा, उन लोगों के लिए इससे क्या रिजल्ट्स उन्होंने लाए। तो उन्होंने देखो कंक्लूजन ये निकाला कि इमेजिन करो आप लोगों के पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन से कंटिन्यूस बॉल फेंकी जा रही है, वो क्रिकेट मैच में जो प्रैक्टिस रहता है ग्राउंड वहाँ पर यह रहता है करके, तो वो लोग कंटिन्यूस कैसा है, बॉल्स को फेंक रही हैं, फेंके जा रही हैं, बॉल्स फेंक रही हैं, बॉल्स आगे जाए जा रही हैं, और तुम खड़े हुए हो उस मशीन के पास, ठीक है, तो मशीन के ऑपरेटर हो करके तुम बस खड़े हुए, तुम ये देखते हो कि तुमने 2-3 घंटा कंटिन्यूस तुम बॉल फेंक रहे थे, पता नहीं अचानक से एक बॉल वापस से रिटर्न आई और तुम्हारे मुँह पर लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज़रूर जब वो बॉल आगे गई होगी तो वहाँ बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया होगा, ऑब्स्टिकल आने की वजह से वो बहुत स्ट्रांगली उस ऑब्स्टिकल से डरी और डर के भागकर वापस आई और तुम्हारे फेस पे आके लग गई करके वापस आ गई। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई भी चीज़ अपने जिस पाथ से गई है अगर उसी पाथ से अगर वो वापस आ रही है तो ये इम्प्लाइज करता है करके कि उस पाथ में आप लोगों का, हाँ, अगर आप लोगों ये चीज़ वो चीज़ इम्प्लाई करती है करके
कि आप लोगों का वो जो पाथ है उस पाथ में कुछ ऐसा रखा होगा जिसकी वजह से आपकी अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है वो रेज क्या हो गई है आप लोगों की, बाउंस बैक हो गई है। अब इतनी अक्कल तो हमें है कि अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है वो किससे बनी हुई है आप लोगों के, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। तो अगर तुम लोगों के पास मान लेते हैं वो डर कर वापस आ गई 180 डिग्री से, तो ये चीज इम्प्लाइज करेगी कि जरूर वहाँ पे वो जो गोल्ड का एटम है जिसके अंदर आप लोगों की अल्फा रेज को हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उस गोल्ड के एटम के अंदर में आप लोगों का क्या है करके आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आप लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों की अल्फा रेज बताओ कैसी है, आप लोगों की अल्फा रेज पॉजिटिव है। अगर उन्होंने वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील किया है, इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील किया है कि वो बाउंस बैक अगर हो गई है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि मतलब ज़रूर वहाँ पे कुछ आप लोगों का एक बहुत ही पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा जिन्होंने उनको क्या कर दिया करके, रिपल कर दिया करके, ठीक है, जिसने उसको क्या किया, रिपल्शन फील किया है। तो इससे हमें ये बात तो समझ में आई करके कि आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर मान लेते हैं ये वाली देखो जो अल्फ़ा रे, ये वाली अल्फ़ा रे अगर गई और जाने के बाद अगर वापस टकरा के आई है, तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ज़रूर वो किससे टकरा गई होगी, आप लोगों के एक ऐसे सेंटर से जाके टकराई होगी, एक ऐसी जगह से जाके टकराई होगी जहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप लोगों की जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उस पे चार्ज कितना है, प्लस टू का, और जो तुम्हारा गोल्ड है उसका एटॉमिक नंबर होता है 79 आई थिंक, राइट, तो उसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे, तो यानी कि दो प्रोटॉन वाली रेज टकरा रही है एक 79 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस से, जिसके सोचो एक टू और एक 79, तो जब वो टू वाला 79 से टकराएगा, ठीक है, जब वो टू वाला आप लोगों के 79 से टकराएगा, तो कितना ज़्यादा उस टू को रिपल्शन फील हो रहा होगा हीलियम के चार्जेस को कि उन्होंने अपना रास्ता एकदम स्पीड में पलटा और वापस चले गए। तो इससे एक कंक्लूजन समझ में आ गया है करके कि आप लोगों का जो जिस है जिससे वो टकराई है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इससे लेकिन एक बात और समझ में आती है करके कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आप लोगों के पूरे एटम भर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव चार्ज आपके एटम भर में यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो एक रे आपकी 20,000 में से ना टकराती, बहुत सारी रेस में तो टकराती, राइट, सभी रेस को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिलता, राइट। तो इसका मतलब क्या, आपके उस एटम के अंदर, गोल्ड के एटम के अंदर आप लोगों की जो मैक्सिमम स्पेस है वो मैक्सिमम स्पेस आप लोगों की कैसी है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली गोल्ड के, ठीक है, बट उन इलेक्ट्रॉन्स का से वो उनका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज है और जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हो भी रहा होगा तो यहाँ से एक अट्रैक्शन होगा, बट रिपल्शन तो नहीं देंगे ना वो लोग, राइट। तो यानी कि रिपल्शन करने के लिए उस एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के उस पूरे एटम में और कोई भी जगह नहीं है जो उन बाकी की 99% आपकी रेस को क्या करवा रही होंगी, रिपल्शन फील करवा रही होंगी। यानी कि इससे आप लोगों ने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि 99% जो आप लोगों का स्पेस है वो स्पेस जिससे आप लोगों की अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड उसको क्रॉस कर गई, वो 99% स्पेस आप लोगों की कैसी रही होगी करके, एम्प्टी रही होगी करके, राइट, वो 99% स्पेस आप लोगों की कैसी है करके, एम्प्टी है, खाली है एकदम वो पूरी स्पेस, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्पेस खाली नहीं होती, अगर मान लेते हैं हम थॉमसन के मॉडल को विचार करते और थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, थॉमसन का जो पुडिंग मॉडल था वो तो यही कहता था कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर मैं थॉमसन के अकॉर्डिंग चलती तो इसके अकॉर्डिंग 99% रेज अनडिफ्लेक्टेड होने के बजाय डिफ्लेक्टेड होती, 180 डिग्री से बाउंस बैक हो जाती, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर बार वो टकराएगा, राइट, हर बार वो टकराएगा, हर बार वो बाउंस बैक होगा करके, भले ही वो 180 से ना हो बट बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनडिफ्लेक्टेड की प्रोबेबिलिटी अगर थॉमसन का मॉडल सही होता। बट थॉमसन के मॉडल के पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, वो पूरा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, बट इनके पास, रदरफोर्ड के पास ऑब्जर्वेशन है कि 99% रेज अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब 99% स्पेस एटम के अंदर क्या है आप लोगों की, एम्प्टी है, यानी कि 99% स्पेस के पास आप लोगों के क्या है, प्रोटॉन्स नहीं है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को उसको क्रॉस करने में कोई तकलीफ फील नहीं हुई
और अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से उसे क्या करके चले गए, क्रॉस करके उसे चले गए। लेकिन उस एटम के अंदर में जो 1% का स्पेस बाकी है, वो 1% का स्पेस आप लोगों का कौन ऑक्यूपाई करता है करके, आपका एक न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है। बराबर, कौन ऑक्यूपाई करता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो रे उस पॉजिटिव चार्ज को करके डायरेक्टली जाके हिट कर देंगी करके, ठीक है, डायरेक्टली जाके अगर उसको हिट कर देंगी तो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होंगी। अगर वो उसके पास से गुजरेंगी तो हो सकता है स्मॉल डिफ्लेक्शन हो। बट कंक्लूजन क्या निकल के आ गया इससे कि एटम के अंदर 99% स्पेस क्या है, खाली है, और सिर्फ 1% स्पेस के अंदर ही बोलो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो कॉमन सेंस है कि उस ज़माने में अब हम लोगों को जैसे पता था, इलेक्ट्रॉन्स पते थे, प्रोटॉन्स पता था, तो पॉजिटिव चार्ज तो डेफिनेटली प्रोटॉन ही होगा। तो इससे हमने रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल निकाल लिया और वो मॉडल उसने प्रपोज ये किया कि मेरे अंदर एटम के अंदर एकदम बीचों बीच सेंटर में करके क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं आप लोगों के, प्रोटॉन्स रहते हैं, और उसी आप लोगों के आजू बाजू में आप लोगों के कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है करके, वहाँ पे आजू बाजू में कौन है आप लोगों के, इलेक्ट्रॉन्स है करके, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के रदरफोर्ड का मॉडल था। तो अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करूँ कि आप लोगों का जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स क्या है, इसके फीचर क्या है, तो रदरफोर्ड का मॉडल के फीचर ये है कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा, उसका पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के क्या रहता है, उसके न्यूक्लियस में मतलब उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है, वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, एक जगह पे वो जमा है, ठीक है, एक जगह पे वो जमा है। ये उसका पहला पॉइंट। कल की डिस्कशन से हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो प्रोटॉन्स के मास के रिस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं एक एटम के मास की बात करती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन मास का, एटम के मास के लिए कौन कर रहा होगा, प्रोटॉन कर रहा होगा। तो यानी कि एक एटम के अंदर में जो उस एटम का एंटायर मास होता है वो एंटायर मास भी आप लोगों का क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है करके, वो भी आप लोगों का सेंटर में क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है करके, ठीक है, ये उन्होंने कहा करके। अच्छा, और ये जो जगह है जिसको हम बोल रहे हैं कि सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, ही कॉल्ड दी स्पेस जिसमें ये आपका इंटायर मास और आपका इंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ही कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियस। तो यहाँ से उस ज़माने में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। हाँ, बट एक बात यहाँ से हमें ये समझ में आई कि आपका जो वो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और जो उसके आजू बाजू की खाली स्पेस है वो बहुत ज़्यादा भरी, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं एक न्यूक्लियस के वॉल्यूम को कंपेयर करूँ एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, तो ऑब्वियसली एटम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा और आप लोगों का जो न्यूक्लियस है उसका जो आप लोगों का वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम कैसा रहेगा, बहुत ही कम रहेगा करके, ठीक है। तो ये तुम लोग अपना एक तीसरा पोस्टुलेट बना सकते हो करके, किसको लेकर, आपके रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर, ठीक है, कि आपका जो वॉल्यूम है किसका, एटम का, वो वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू किसके वॉल्यूम ऑफ करके, न्यूक्लियस के करके। इवन तुम बुक्स वगैरह में भी ये एग्जांपल पढ़ोगे, ठीक है, कि अगर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है फुटबॉल का और उस फुटबॉल के प्लेग्राउंड में अगर मान लेते हैं बीच में सेंटर में अपन ने फुटबॉल रख दी है, तो इसी तरीके से आपका एटम होता है, एटम के अंदर वो जो छोटी सी बॉल है, मतलब फुटबॉल ग्राउंड के अंदर छोटी सी फुटबॉल है, वो आपका न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में जितना भी आपका ग्राउंड बचा वो आप लोगों का क्या, एटम, और उसमें जो छोटे छोटे जो फील्डर्स, 2-3-4 फील्डर्स खड़े हैं वो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये इस तरीके का उनका मॉडल था करके। अच्छा, अब इतनी तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होते हैं, प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं करके। तो और उनके आजू बाजू अलग अलग जगहों पर आप लोगों को उनके आजू बाजू क्या देखने को मिलते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक रदरफोर्ड के मॉडल में सब कुछ सही जा रहा था, इवन काफ़ी प्रेज भी किया गया इस चीज़ को कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, हमें चीज़ पता चल गई करके कि अच्छा न्यूक्लियस नामक भी एक चीज़ होती है, हमें क्लियरिटी मिल गई कि अच्छा आखिर एटम दिखता कैसे है।
वैसे एटम अभी भी ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है और भी बहुत से करेक्शंस किए गए, बट उस टाइम तक ये आपका काफ़ी थॉमसन पुडिंग मॉडल के कंपेयर में एक सक्सेसफुल मॉडल था। बट रदरफोर्ड के ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए अपने मॉडल को लेकर, वो ये कि उसकी वजह से, उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से पूरा का पूरा रदरफोर्ड का मॉडल आपका कैसा ध्वस्त हो गया या फिर कह सकते हो फेल हो गया। अब वो एक स्टेटमेंट क्या है करके देखो, आपके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्सवेल, फिजिकिस्ट हैं, उनका ज़्यादातर रोल वैसे मैथमेटिक्स में भी है और फिजिक्स में भी है, तो उनका जो रोल था उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट ठीक है रिवॉल्व करता है किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की फील्ड में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को बस मैं रिवॉल्व करवा रही हूँ ठीक है उसको मैं रिवॉल्व मतलब घूम रहा है ऐसा नहीं ठीक है। एक आपका ऐसा एक चार्ज ऑब्जेक्ट ए होना चाहिए, ये चार्ज ऑब्जेक्ट ए आपका स्टेशनरी है ठीक है, तो ऑब्वियसली चार्ज ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस चार्ज ऑब्जेक्ट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट बी अगर वो क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है, तो अगर वो चार्ज ऑब्जेक्ट बी एक दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन करते करते ठीक है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, अपनी एनर्जी को एमिट करता जाएगा ठीक है, उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होती जाएगी करके, और फाइनली उसका जो चार्ज बॉडी आपकी बी है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का रेडिएशन एमिट होते होते हो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसका रिवॉल्यूशन रुक जाएगा। तो अभी तुम ये देखो कि हमारा जो रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रपोज किया गया उसमें एक का रोल कौन प्ले कर रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, वो उसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है। तो जब एक बी उस आप लोगों के करके ठीक है ए के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, उसकी चार्ज फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ऐसी स्टेज पहुँचेंगे, मैंने एक ऐसी स्टेज पर पहुँचेंगे जब आपका बी क्या कर देगा करके पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उसकी रिवॉल्व करते करते एनर्जी ख़त्म हो जाएगी एंड सडनली वो इस तरीके का आपका एक स्पायरल पाथ रहेगा, और उस स्पायरल पाथ के बाद वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा करके ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर गया, सो वॉट यू कैन से, आप ये कह सकते हो करके कि अरे ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब आपका जो एटम है हाईली अनस्टेबल है, आपका एटम तो करके मर गया राइट, आपका एटम तो क्या हो गया, मर गया। तो ये कि ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो हाईली स्टेबल होते हैं। तो रदरफोर्ड को क्वेश्चनिंग की गई कि आपका जो ये एकदम सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहा है, इसकी एनर्जी लूज़ नहीं हो रही है ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करो कि इसकी एनर्जी क्यों लूज़ नहीं हो रही और आपका एटमिक मॉडल क्यों स्टेबल है, क्यों एक एटम स्टेबल है, स्टेबिलिटी का रीज़न दो। क्योंकि अगर आपका मॉडल ट्रू है तो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग और मैक्सवेल के मॉडल के अकॉर्डिंग में आपका क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए था राइट, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम जानते हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वी नो दैट, ये एक फैक्ट है, हम लोग जान रहे हैं, बट प्लीज़ एक्सप्लेन दिस फैक्ट करके कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ ठीक है, वो गिरा क्यों नहीं, मैक्सवेल का लॉ यहाँ पे क्यों भी नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड वॉज स्पीचलेस, उसको नहीं पता था करके कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आके क्यों नहीं गिरा ठीक है, वो आपके एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था आप लोगों के रदरफोर्ड का मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यानी कि अगर हम लोग ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो ड्रॉबैक के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसने क्या नहीं किया था, डू नॉट ओबे, किसको उसने ओबे नहीं किया था, आपके मैक्सवेल के लॉ को राइट। और फिर जब मैक्सवेल या दूसरे लोगों ने उससे उसका ही रीज़न पूछा करके कि आखिर ऐसा क्यों ठीक है, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि एटम जो होते हैं, एटम स्टेबल होते हैं, इसका आप जस्टिफिकेशन दो, तो इस एटम की स्टेबिलिटी का जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं था। पॉइंट नंबर टू, जो तुम लोगों को अभी टाइम है पढ़ने में, हम लोग एक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ठीक है, तो आपका जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो इस स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक है, कि आखिर ये स्पेक्ट्रम कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आखिर इनमें डिसकंटिन्यूटी क्यों हो रही है। तो ये सारे रीजंस की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल आपका फेल हो गया
और उसके बाद जो आप लोगों के पास मॉडल आया वो आपका था नील बोअर्स का मॉडल करके, ठीक है। तो नील बोअर्स वो थे जिन्होंने आप लोगों का काफ़ी हद तक मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिया है करके काम किया है उस फील्ड में। बट नील बोअर्स के मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। जैसे रदरफोर्ड के ही एक थ्योरी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो हम लोगों को अभी पढ़ना होगा एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट है, उसको हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक थ्योरी है वो पढ़नी है, जिसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सवाल आते हैं, वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे की मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में मूव करेंगे, ठीक है। बट अभी तक का ये दो दिन का जो ये वीडियो है ये पूरा तुम लोगों का बेसिक्स था जो ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो करके, राइट। तो फिर अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे वो रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करके, इसके बाद।